रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधि अपनी देहरादून ट्रिप से जुड़ा सारा जरूरी सामान पैक कर लेती है और सुबह 4 बजे उठकर अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद अपने रूम की खिड़की से बैग को नीचे फेंक देती है। साथ ही मिरर के पास एक लेटर छोड़ देती है और रस्सी की मदद से खिड़की से उतर जाती है, जहां नीचे उसकी फ्रेंड्स 3 बुलेट लेकर खड़ी होती है। तभी उसकी फ्रेंड विश बोलती है, यार विधि तूने इस वक्त क्यों बुलाया यार, नींद भी पूरी नहीं हुई हमारी। और क्या यार, सुबह के 4 बजे कौन बुलेट पर घूमने निकलता है, हम कैसे ट्रैवल करेंगे यार। सोनिया इज राइट, मजाक थोड़ी है बुलेट पर इतनी दूर तक ट्रैवल करना। सोनिया, विश, तुम दोनों जानते हो ना कि पापा ने मुझे इस ट्रिप पर आने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैं उनसे छुप कर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। हाँ यार पता है, चल कोई नहीं, तेरे लिए हम कुछ भी करेंगे। और वैसे भी हम लोग इतने ज्यादा हॉट हैं कि हमारी हॉटनेस से ये नींदें यूं उड़ जाएगी। और देहरादून के लड़कों की नींदें भी तो उड़ानी है उन्हें अपनी बुलेट वाली हॉट गर्ल्स दिखाकर। ये बेबी, सो गर्ल्स, आर यू रेडी फॉर अ हॉट बुलेट ट्रिप। सुबह की अंधेरे में तीनों गर्ल्स गॉगल्स हेलमेट के साथ हॉट बनकर अपनी बुलेट्स पर निकल पड़ती है। मजे करते हुए तीनों गर्ल्स अपना आधा रास्ता पार कर लेती हैं और देहरादून पहुंचने ही वाली होती है कि रास्ते में उन्हें जय नाम का एक परेशान सा लड़का अपनी कार को पैर से मारता हुआ दिखाई देता है और उनकी बुलेट को रोकते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज रुकिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप मुझे देहरादून तक छोड़ देंगे? एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है और मैकेनिक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, एक बार मैं आपकी कार चेक कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। ओह तो तुम लड़की हो, मुझे लगा कोई लड़का बुलेट चला रहा है। क्यों, बुलेट का सिर्फ लड़के चला सकते हैं? लड़कियों को क्या सिर्फ घर का झाड़ू पोछा करने के लिए रखा है, यही समझते हो ना तुम सब लड़के? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवेज चलो मैं तुम्हारी कार चेक कर लेती हूँ। विधि उसकी कार को चेक कर ही रही होती है कि जब तक उसके दोनों फ्रेंड पीछे से बुलेट पर आती है और विधि को देखकर वहीं रुकती है। तभी सोनिया कहती है, यार तू यहाँ क्यों रुकी है, क्या हुआ इसकी कार को? वो यार इनकी कार खराब हो गई थी, वही चेक कर रही थी मैं, लेकिन ठीक ही नहीं हुई। तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरा देहरादून पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, या तो इस सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी में सो जाओ या फिर हमारे साथ देहरादून चलो। बट हाँ, हम तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते में छोड़ेंगे, आगे तुम खुद ही चले जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जय विधि की बुलेट पर उसके साथ बैठता है और वो लोग निकल जाते हैं और कुछ देर बाद एक झील के किनारे पहुँच कर वहाँ अपना कैंप लगाते हैं। फिर सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, वैसे तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरा एक इवेंट है, परफॉर्मेंस है वहाँ, इसलिए जल्दी जाना है। एंड माय नेम इज जय मल्होत्रा। तुम्हारा परफॉर्मेंस और जय मल्होत्रा, ओएमजी ओएमजी ओएमजी, कहीं तुम वही जय मल्होत्रा तो नहीं हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम द सुपरस्टार डांसर जय मल्होत्रा। या यू आर राइट, मैं वही हूँ, इसलिए कल मेरा इवेंट में पहुँचना बहुत जरूरी है। तब एक साथ इतनी बातें करते हैं कि सबकी गहरी दोस्ती हो जाती है। जय और विधि उठकर अलग से एक झील के किनारे पर जाते हैं और वहाँ जाकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। विधि जैसे ही गिरने वाली होती है, जय उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों कैंप की तरफ आते हैं तो सोनिया कहती है, क्या बात है, दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? बाय द वे, हम 3 टेंट ही लाए थे तो तुम कैसे सोओगे, यहाँ पर सांप भी आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, जय को मैं अपने टेंट में एडजस्ट कर लूंगी। ओहो तुम दोनों एक साथ, ओके चलो बाय, अब मुझे नींद आ रही है, चल सोनिया। दोनों एक ही टेंट में सोते हैं जहां सांप की आवाज सी आती है
और जय डरकर विधि के गले लग जाता है। तभी वो कहती है, ओफो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, तुम बेफिकर होकर सो जाओ आराम से, कोई सांप वाप नहीं आएगा। दोनों फिर से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। सुबह उठकर दोनों अपनी अनजाने में हुई गलती की माफी मांगने लगते हैं। जय अब अपने इवेंट में जाने के लिए अकेले ही निकल जाता है। तभी विधि को अजीब सी फीलिंग होती है और उसके जाने से वो कहती है, सुनो जय, तुम अकेले मत जाओ, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें फोन करके पूछ सकूं कि तुम ठीक से पहुंच गए हो ना। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं चलता हूँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। विधि जाने से पहले उसको गले से लगा लेती है। 4 घंटे बीत जाते हैं। विधि जय की चिंता करते हुए उसे बहुत सारे कॉल्स करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो अपनी बुलेट पर जय को ढूंढने निकल जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है, जहां सामने जय पेड़ से बेहोश बंधा हुआ होता है। और तभी वो उसके पास आकर कहती है, जय, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हमने की है इसकी ये हालत, पर तू इसके लिए क्यों रो रही है इतना? देखो भैया, कितनी हॉट लड़की है, जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। भैया देखो ना, कितना खून बह रहा है, प्लीज जाने दो। पहले इतने चिकने लड़के को ले जाने के लिए 5 लाख रुपए निकाल। भैया इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? इतने पैसे लेकर नहीं आई मैं यहाँ पर। तो फिर भूल जाए इसे। विधि जाने का नाटक करते हुए बुलेट पर बैठती है और जोर से दोनों को उससे धक्का मारती है और अपने बैग से पेपर्स पे निकाल कर दोनों की आंखों में डाल देती है। वो जय की रस्सियां खोलती तो उसे होश आ जाता। दोनों भागकर बुलेट पर बैठते हैं तो वही एक गुंडा उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन विधि तेजी से बुलेट स्टार्ट करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर विधि उसे जाने के लिए ड्रॉप कर देती है, जहाँ जय विधि से कहता है, तुम मुझे ढूंढते हुए कैसे आ गई बचाने के लिए? वो मैं तुम्हारी जान बचाने आई थी, मुझे लगा तुम किसी खतरे में हो इसलिए। झूठ मत कहो मुझसे, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए ही यहाँ आई हो। हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक दिन में ही प्यार हो गया था, पर तुम्हें तो जाना था ना, तो कैसे बताती मैं तुम्हें। मेरी, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी हमसफर बनोगी? हाँ जय, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें बुलेट चलाना बहुत पसंद है, क्यों है ना? हाँ क्यों? तो ले चलो मुझे अपनी बुलेट पर, मेरी बुलेट रानी। और तुम्हारा इम्पोर्टेंट इवेंट, उसका क्या? तुमसे ज्यादा अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। दोनों बुलेट पर बैठते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ मंसूरी की ट्रिप को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पहुँच कर वहाँ के सुंदर नज़ारे देखते हैं और वहाँ की बारिश को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए भुट्टे खाते हैं और 2 दिन वो वहीं इसी तरह एंजॉय करते हैं और बुलेट से वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।